हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ प्लस वन कॉमर्स। हमारा क्वेश्चन चल रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आपके साथ अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को, जरूरतों को पूरा करना है, उसके लिए वो गुड्स की प्रोडक्शन करता है। तो सोसाइटी को गुड्स पहुंचाने के लिए वो सबसे पहले इस चीज का अनुमान लगाता है कि कितने गुड्स मार्केट में लोगों को रिक्वायर्ड हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने गुड्स की प्रोडक्शन करता है और इस हिसाब से काम करता है कि वो सोसाइटी की जरूरतों को पूरा कर सके। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि उसने सोसाइटी को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसका प्राइस जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, ताकि वो कंज्यूमर को पूरी तरह सेटिस्फाई कर सके। खराब हुआ सामान, इन्फीरियर मतलब घटिया क्वालिटी का सामान, जो लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई सामान उसने मार्केट में अवेलेबल नहीं करवाना है। अदरवाइज ये चीज उसकी रेपुटेशन को इफेक्ट करेगी और उसकी लॉन्ग टाइम में होने वाली सेल्स जो है वो डाउन हो जाएंगी। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि वो गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करके चले, क्योंकि सोसाइटी को लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं। तो बिजनेसमैन को चाहिए कि वो सारे उन रूल्स को फॉलो करे, ताकि हर काम सोसाइटी के फेवर में हो सके, कुछ भी सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो। जैसे कि ऐसा कोई काम ना करे जिसमें पॉल्यूशन फैले, ऐसा कोई काम ना करे जिसमें कंज्यूमर्स को हरास किया जाए या एक्सप्लॉइट किया जाए। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कंज्यूमर्स को घटिया क्वालिटी का सामान एट हाई प्राइस सेल करना, खराब हुआ सामान सेल करना, ये सब कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन में आता है। तो बिजनेसमैन को चाहिए कि वो ऐसा कुछ ना करे, ताकि गवर्नमेंट को उसके काम में इंटरफेयर करके उसके खिलाफ केस ना करना पड़े। अदरवाइज ये चीज भी उसके रेपुटेशन को डाउन ला देगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव है जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट। बिजनेसमैन को चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे, जैसे कि सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। वो कैसे? अगर वो प्रॉफिट्स कमा रहा है तो वो प्रॉफिट्स अपनी पॉकेट में ना भरता जाए, बल्कि उसका कुछ हिस्सा बिजनेस को एक्सपैंड करने में लगा दे। तो इससे क्या होगा, उसको पर्सन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो इस तरह से वो सोसाइटी को प्रोवाइड कर पाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट इज सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। उस बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, उनके लिए समाज सेवा करे, क्योंकि सोसाइटी बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा सोसाइटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लगाए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सोसाइटी के लिए कोई फैसिलिटीज अवेलेबल करवाए। कौन सी? जैसे कि कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोल दे, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दे, या स्कूल्स ओपन कर दें, ताकि इससे सोसाइटी कुछ बेनिफिट ले सके। ये चीजें बिजनेसमैन की रेपुटेशन को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये तो बहुत जनरल सा पॉइंट है कि इको फ्रेंडली होके चलना चाहिए बिजनेसमैन को। उसको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पॉल्यूशन फैले, क्योंकि पॉल्यूशन फैलने से सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, सोसाइटी को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसका कोई उसके काम का कोई गंदा पानी रिवर्स में जाके ऐड नहीं होना चाहिए, उसकी फैक्ट्री से कोई ऐसा स्मोक नहीं निकलना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। तो इन चीजों का बिजनेसमैन को ध्यान रखना चाहिए। दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू योर ऑनलाइन स्टडीज।